इल तिलाना टीवी चैनल वेख रहे किसान भरावां नूं साडी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं तरसेम सिंह लौंगोवाल पहुंचो इस समय रंधावा गोट फार्म दे विच जगदीप सिंह रंधावा जी नाल गलबात करन दे लई। किसान भरावो तुहाडे कई कमेंट आ जिहड़े ओह सानूं आउंदे रहिंदे ने, फोन कॉल्स आउंदे रहिंदे ने। तुहाडी राय हुंदी है कि जानवरां दे रेट आ जिहड़े कोई 30 दा 25 35 40 हज़ार तक दसे जाते हैं या वध भी दसे जाते हैं। असी इस विषय के उपर गलबात करने के लिए जगदीप सिंह रंधावा जी के गोट फार्म के पहुँचे हैं, तो असी उम्मीद करते हैं कि जो किसान भरावां दे सवाल ने उन्हां दा उत्तर देने की असी इस वीडियो के कोशिश करांगे। वीर जगदीप सिंह रंधावा जी, तुसी सवाल तो तकरीबन साढ़े जा ही चुके हो, तो असी तुहाडे पास ये सुझाव लेना चाहुंदे कि इस विषय से तुहाडी की राय है जी। देखो वीर जी, सब तो पहला तो जो किसान भरा वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने मेरे वालों नमस्कार सत श्री अकाल। तो बाकी दूसरी गल जिथों तक आप गल रेट की करते हैं जी, देखो रेट जो ब्रीड के ने जी, ठीक है, कुछ भरा किसान भीर है जो बकरी कोई 50-50 हज़ार भी मंग रहा, 60-60 भी मंग रहा, तो मतलब 40-40 50-50 हज़ार नॉर्मल 35-40 हज़ार रुपये तो घट तो मंग ही नहीं रहा, ठीक है जी। इसलिए जी आप गल करिए जो मीडियम ब्रीड हैगी जानी कि 30 तो लैके 35 हज़ार रुपये के बिल्कुल जायज है, ठीक है। देखो क्योंकि जिस तरह कई किसान भरा करते हैं मतलब भी इहदा काफ़ी नजायज़ रेट ने जी, गल हुंदी है कि ब्रीड ते, क्योंकि जो मार्केट के बकरी दी जो मतलब कि सेल रेट है 12,000 तो स्टार्ट है। जे आप अजकल भलूण पाठा जो गबन प्रैगनेंट कंडीशन के आप लैने तो 12-13 हज़ार रुपये की नॉर्मल स्टार्ट है, उदी जानी कि उदी कोई मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी की गल करते हैं। जे आप क्वालिटी सुधारते हाई लैवल से टॉप पर जाने जिदे आप बच्चों की प्रोडक्शन भी टॉप की लै सकते हैं, दुध की प्रोडक्शन भी चंगी लै सकते हैं, वो बकरियों के रेट 30 तो 35 हज़ार रुपये के जायज़ ने, ठीक है जी। जेकर गल करिए भी आप किसान भरावानू मैं ये दसना चाहना भी जे आप मतलब कि 40-50 हज़ार 60 हज़ार भी हर एक बकरी नहीं हैगी, यानी कि वो कुछ परसेंट केस ने जिदियाँ टॉप की जिंदी जिदे आप करना ही ब्रीड पर काम है, वो कुछ बकरियां इदा दियाँ है जिस तरह मैं जानी कि जो नवा फार्म तैयार करते हैं किसान भरा उन्होंने भी मैं यही गल कहना हूं भी ब्रीड तैयार करने वास्ते चाहे थोड़ा तो महंगी मिलती ने पर चंगी बकरियां लो, दो ले लो चार ले लो चाहे, ठीक है जी। पर नॉर्मल ब्रीड यानी कि रखो, पर यह नहीं भी यानी कि सारिया ना रखो, ये दो चार वो भी पालो तो दो चार चंगी भी पालो, बाकी आपके बजट पर निर्भर करता जी। हाँ जी, तो जगदीप सिंह जी इस विषय के उपर सानू कमेंट है जोड़े वो आते रहते हैं कि किसान भरावान का कहना होंगे कि 35 तो 40 हज़ार की तो नॉर्मल मझ भी आ जाती है। अच्छा जी, तो इस बारे की सुझाव जी? नहीं देखो वीर जी, बिल्कुल किसान भरा भी आपकी जगह पर ठीक ने, हाँ जी, 35-40 हज़ार रुपये की मझ आँदी जरूर है जी, हाँ। पर जे आप देखा जाए जी, जेकर आप मैं गल करता कंपेरिजन की भी बकरी 35-40 हज़ार वाली तो उधरों मझ 35-40 हज़ार रुपये वाली, जे आप दोनों मतलब बराबर खड़ा लीए तो दुध की प्रोडक्शन है जी जी अपनी 35 तो 40 हज़ार वाली बकरी है जी, वो 5 तो 6 लीटर दुध कढ़ूगी जी, ठीक है जी। जी 35 तो 40 हज़ार वाली मझ है जी वो 4 तो 5 लीटर दुध वो कढ़ूगी, ठीक है जी। इस करके रेट दोनों का सेम हो गया, पर जे आप गल करिए भी खुराक की तो जी बकरी की खुराक है वो 1 किलो है जी पूरे दिन की, फीड की गल करिए जी, क्योंकि हरा चारा तो अलग रह गया, वह पेट भरन लग गया, ड्राई मैटर तो अलग रह गए। जिस तरह गल करिए जे मझ की तो मझ 2 तो 4 टोकरे तूड़ी दे खाऊगी जी, तो 4-5 किलो वह फीड खाऊगी तो जाके वह 5-6 लीटर दुध देगी, ठीक है जी। इस करके जो देखा जाए वह खर्चा भी बहुत चलिया गया ना, मैं चंगी मझ नाल कंपेरिजन नहीं करता बकरी का, ठीक है, जी लो क्वालिटी की मझ है वो करता। मैं यही कहना चाहता किसान भीरों भी ये भी थोड़ा भुलेख है भी जो 35-40 हज़ार की तो मझ आ जाती है, पर 35-40 हज़ार की मझ चंगी नहीं आती जी, जी। एक 2-4 लीटर दुध वाली 35-40 हज़ार तो घट जानी कि जी मझ आऊ वो 2-4 लीटर वाली आऊ, वो मुताबिक जो बकरी की कमाई हैगी जो आप साल की एवरेज लाइए तो मझ का खर्चा ज़्यादा रहूगा जी, बकरी का खर्चा जोड़ा वो घट रहूगा, ठीक है। इसलिए माड़ी मझ लैण नालों 35-40 हज़ार की तो चंगी बकरी लैण का फायदा है, ठीक है, ठीक है। जिहड़ी आप 35-40 हज़ार की बकरी लवेंगे जी जिहड़े उहदे बच्चे आ पाठ है ज मेल है ज फीमेल है जो भी है तो वह घट्टो घट दे 35-40 हज़ार वाली दे बच्चे भी तो घट्टो घट यानी कि 15 हज़ार की जोड़ी है, घट्टो घट 15 तो 18 हज़ार की जी घट्टो घट जोड़ी है जी, यानी कि 15 तो 18 हज़ार रुपये का दुध दूजी मझ ने नहीं पाना जी जी नॉर्मल, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होगा कमाई घट दू, जी 35-40 हज़ार वाली बकरी है जी वह खर्चा घट होगा, वो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो,
क्योंकि वह दुध भी उन्हें दे रही है जो बच्चे दे रही वो एक्सट्रा दे रही है। जो आप दुध की गल करिए दुध अपना जो खर्चा हो रहा वो दुध राही मोड़ रही है, जोड़े बच्चे है अपन बच रहे। ठीक है जी, इसलिए मैं किसान भरावान यह कहना चाहना गा, मैसेज देना चाहना गा भी माड़ी मझ पशु का मतलब आप किसान भरा मतलब कोई भी किसान है पशु रखे बिना आप नहीं सरदा। इसलिए वरायटी रखो, क्वलिटी रखो, जिस तरह चंगी मझा की क्वलिटी है खर्चा ही करना आप उन्होंने करो, जो 60-70 हज़ार दिया चंगी मझा होंगे ने वह खरीदो, जे बकरी खरीदनी है तो भी क्वलिटी की खरीदो, माड़ी ना खरीदो। ठीक है जी, इसलिए मैं किसान भरावान ये कह वार बार कहना चाहना भी जो 30-35 हज़ार रुपये बकरियों के रेट ने वो चंगिया बकरियों के है, घबराने की लोड़ नहीं, जो मीडियम बकरियां है वो 20-25 हज़ार रुपये के चंगिया मिल जाए। ठीक ठीक है जी, इसलिए जो मझ हैगी जे चंगी क्वालिटी की गल करिए 70-80 हज़ार की मिलू जी, जे आप लो क्वालिटी बकरी के मैचिंग करिए 35-40 हज़ार की मिलू। ठीक है, जिहदा खर्चा ज़्यादा है जी, कमाई घट। तुहाडा कहण दा सीधा सीधा मतलब है कि जे 35-40 हज़ार की बकरी है तो 35-40 हज़ार की मझ है, हाँ जी वो बराबर बकरी है जी, बकरी अगे है जी, बकरी अगे है, क्योंकि आप मैं तुहानू खर्चा भी दस सकता, मैं चैलेंज भी कर सकता कोई भी किसान भरा ये गल कह दे भी हाँ यार वाकई मतलब खर्चा बकरी का ज्यादा है, बकरी का खर्चा नॉर्मल है जी। तो बकरी है मझ के सूण के बारे तुहाडा की सुझाव जी? देखो जी, मझ तो बकरी के जो सूण की गल करिए आप जिस तरह बकरी हैगी उन्हें साल के सवा साल के जो अपनी फुल मैनेजमेंट है प्रोपर उन्होंने मिनर दें प्रोपर डाइट दें प्रोपर वह हरा चारा प्रोपर वह ध्यान रखते हैं तो वह साल के दो बार सूगी, हाँ जी सवा साल के। ठीक है जी, जेकर मझ ने साल के एक बार सूना जी, क्योंकि जे गल दुध देने की करिए कई किसान भरा भी सोचते होंगे भी मझ है जी साल भर दुध दिंदी 8-9 महीने दुध दिंदी है, नहीं दिंदी जी, जिहड़ी मतलब 35-40 हज़ार वाली मझ है वह 3 महीने प्रोपर दुध देगी। ठीक है जी, उस तो बाद हो सकता एक डंग पै जाए तो हो सकता 5 लीटर तो 2.5 लीटर दे आ जाए, 6 लीटर तो 3 लीटर दे आ जाए। ठीक है जी, जिहड़ी बकरी हैगी जिहड़ी उन्हें घट्टो घट्ट जिस तरह आप एवरेज भी 5.5 महीने बाद उन्हें सू पैना है, जे आप प्रोपर मैनेज करना तो उन्हें 3 महीने भी दुध देता जी अपने को 3.5 महीने तो वाधू है जी, 1.5 महीने पहले आप छड़ सकते हैं, 3.5 महीनों के उन्हें दुध दें तो नाल दो बच्चे दें। ठीक है जी, जिहड़ी मझ है उन्हें एक बारी बच्चे की प्रोडक्शन देनी है, यानी कि जे आप गल करिए जिहड़ा मझ का बच्चा है तो वह भी 4-5 हज़ार का बिकूगा जी जमदा, तो ठीक है बच्चा भी बस वह बच्चा ये नहीं पता 35-40 हज़ार वाली 8-10 हज़ार का बिक जी, ये गरंटी है जी मेरी। ठीक है, ये चक्कर है जी, इस करके आप साफ शब्दों के कह सकते हैं भी 35-40 हज़ार वाली मझ नालों 35-40 हज़ार वाली बकरी अगे। ठीक है, तो जगदीप सिंह जी इस तरह ही असी बकरे की भी गल करते हैं कि बकरे है जेडे कोई 15 हज़ार तो 10 हज़ार का ही बिक रहा, 50 हज़ार का 60 हज़ार के बकरे ही बिक रहे, इस बारे थोड़ी की राय है जी? देखो वीर जी, जिहड़ी आपां 10 हज़ार तो 15 हज़ार तो लैके 50 हज़ार तक की सूई आप दसी हैगी, हाँ जी वो गल इदा दी भी जिस तरह दो चीज़ा ने बिकना होंगे जी मार्केट के बकरे ने, एक तो बॉडी वेट ने बिकना जी, एक वो ब्रीड ने बिकना जी। ठीक है जी, जेकर आप कल बॉडी वेट पर जाइए जो मार्केट रेट हैगा वो 250-300 रुपये चल रहा है। ठीक है जी, तो वो बॉडी वेट नाल कैलकुलेशन करके आप उन्नी एवरेज बन गई, मान लो 60 किलो का बकरा ही 6-18 हज़ार रुपये का हो गया। ठीक है जी, 60 किलो बॉडी वेट के बकरा जे आप कला बॉडी वेट पर डिपेंड करके उन्होंने बेचते हैं, एक चंगे मौसम जिस तरह करवानी आ रही है चंगी रुत्त दे 18-20 हज़ार रुपये का हो गया जी, यानी कि वह 5-7 हज़ार रुपये का खाऊगा, ज़्यादा नहीं खाता। इस करके नॉर्मल जे देखिए जे खेती नालों तो बचत वह भी अपन चंकी देता, जे एक एकड़ की कमाई देखिए तो आप एक एकड़ की कमाई जिनी अपन एक साल के बकरा दिता। ठीक है जी, इस तरह जिस तरह गल करते आप 50 हज़ार वाले भी बकरे पे ने 40 वाले भी पे, वो बॉडी वेट पर भी डिपेंड करता जी भी 70-80 किलो बॉडी वेट होगा, तो दूसरा वो बच्चों की प्रोडक्शन वास्ते आप एक जानी कि ब्रीड के तौर पर आप जो बच्चा खरीदा तो वह तो आप चंगी नसल के बच्चे लवेंगे तो वह भी एक यानी कि कमाई का साधन। ठीक है जी, इस करके जो 40-50 हज़ार का बच्चा आप खरीदा जी वो आपकी जगह पर कोई महंगा नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि एक सान तो एक बच्चे आम नॉर्मल ब्रीड का दोनों चीज़ों के काफ़ी डिफरेंस हैगा, जे प्रोपर ब्रीड का जोड़ा बच्चा हैगा वह आप खरीदा बच्चों की प्रोडक्शन वास्ते खरीदा तो वह 40-50 हज़ार का कोई नजायज नहीं, क्योंकि जे गल करते हैं फिर वो चंकी क्वलिटी के, क्यों जे चंकी क्वलिटी का सान खरीदा जी तो ही बच्चे आप चंगे लै सका, जे नॉर्मल क्वलिटी का ब्रीडर होगा तो वह 3,000-3,500 का बच्चा बिकूगा, जे टॉप क्वलिटी का ब्रीडर होगा
ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ 6-7 ਦਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਵੇਟ 'ਤੇ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੋਡੀ ਵੇਟ 'ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਫੀਡ ਪੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ 40-40 50-50 ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਬਰੀਡ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ, ਜੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸੀ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗੋਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਅਤੇ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਇਲਤੀ ਲਾਣ ਟੀ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸੀ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਸਟਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲਤੀ ਲਾਣਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।